हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और जैसे कि आपको मालूम है, इग्नू के जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन ओपन है और ये री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 15 जून है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस री रजिस्ट्रेशन को करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और अगर आप ये री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो उस केस में आपको क्या कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार, इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपका नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना। अगर आप किसी ऐसे कोर्स में इनरोल हो जो एनुअल मोड कोर्स है, तो वहाँ पर साल में एक बार एडमिशन होता है। तो इट मीन्स उस कोर्स के सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अगर आपकी यूजी डिग्री है तो यहाँ पर थर्ड ईयर की बात भी होगी, अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बात होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो हम सेकेंड ईयर की ही बात करेंगे। बहुत से बच्चे समझते हैं ये री रजिस्ट्रेशन नए एडमिशन है। नहीं जी, ये न्यू एडमिशन के फॉर्म नहीं है, ये री रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आपका सेमेस्टर है उसमें आपको एडमिशन देने को री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इग्नू के अंदर एमकॉम भी अब सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम बन गया है, लेकिन वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एनुअल ही होते हैं। एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस्ड में होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन एनुअल ही होते हैं। तो अगर आपका इग्नू का एमकॉम का एडमिशन जनवरी 2023 सेशन का है तो आपको अभी कोई भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन होते हैं वो और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस री रजिस्ट्रेशन से आपका प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एग्ज़ाम्स का कोई भी लेना देना नहीं है। आप उन एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हो या नहीं अपेयर हो गए, या अपेयर होने के बाद आप उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो उसका इस री रजिस्ट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक नहीं लगती है, आपको ये री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप सेकंड ईयर या अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हो तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाना चाहते हो तो ये री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ अपने माइंड में मत रखिएगा कि सर अभी तो हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, अभी तो हमारे एग्ज़ाम जून में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपका री रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने ये री रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो आपको 6 महीने आपके डिग्री के वेस्ट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, जो आप बोल सकते हो जो ग्रेजुएशन आपके टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए थी, जो मास्टर्स आपका टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए था, तो किसी भी प्रोग्राम में आप इनरोल हो वो आपका टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए था, आप इस री रजिस्ट्रेशन को मिस कर देते हो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपके 6 महीने लेट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब लास्टली इतना समझ लेते हैं कि ये री रजिस्ट्रेशन किन किन कैंडिडेट्स को करना है। अगर आपका जुलाई 2022 सेशन का न्यू एडमिशन है तो आपको ये री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेकेंड या थर्ड ईयर में आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका जुलाई 2022 सेशन का न्यू एडमिशन है, या फिर अगर आपकी जुलाई 2022 सेशन में अगर आपने किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, तो अब आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होगा उस पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री का। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका जनवरी 2023 सेशन का एडमिशन है किसी सेमेस्टर बेस प्रोग्राम का एक्सेप्ट एमकॉम, एमकॉम की बात मैंने वीडियो के शुरू में कर ली, तो आपको अगले सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना होगा। जैसे कि एमसीए हो गया या बीसीए हो गया या एमबीए हो गया, सेकेंड सेमेस्टर का आपको री रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन लेना होगा अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में तो किसी भी सेशन का आपका एडमिशन हो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको लेना ही पड़ेगा एडमिशन एक्सेप्ट एमकॉम। ठीक है, एमकॉम का अगर जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन है तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा कि आपके लिए री रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है री रजिस्ट्रेशन के कम्प्लीट प्रोसेस पर, आप उस प्रोसेस को कम्प्लीट करके देखो, मतलब उस प्रोसेस को करके देखो, आपका अकाउंट तो बन जाएगा समर्थ पोर्टल पर। लॉगिन करोगे तो अगर आपका वहाँ पर शो हो रहा होगा री रजिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली आपको करना है, नहीं शो हो रहा होगा तो इट मीन्स अभी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2023 सेशन में किसी भी एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, इसमें एमकॉम भी हो गया हमारा, एमकॉम सेमेस्टर बेस है लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके एनुअल ही होते हैं, तो एमकॉम भी हो गया, एमए के किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, किसी डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में तो री रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल ही नहीं होता बिकॉज वो तो 6 महीने का ही कोर्स होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम में अभी आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये आज की इस वीडियो में मैं बताने आया था रिगार्डिंग इग्नू री रजिस्ट्रेशन किन किन स्टूडेंट्स को करना है
और किन किन स्टूडेंट्स को नहीं करना। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।